चल चुके हैं अपनी नई मंजिल की ओर, जो है ए हाय हेलो, जो रोड ट्रिप नहीं है बट एक नई मंजिल है। सो ये है हमारी तेजस, हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे तेजस तुमने खरीद ली थी? इज दिस योर्स? नहीं मैंने खरीदी नहीं है। You just said it. You said हमारी But maybe भी shorter distance का भी अगर आप You rented it. You rented for two stations. No. This is pretty good. Only one station. And then our destination. Because of her, you guys are not enjoying the road trip because she wanted to do a train वाले trip. Enjoy करना चाहिए ना, इतनी अच्छी ट्रेन है भारत सरकार ने है, भारत सरकार सारी ट्रेनें चलाती है जस्ट बिकॉज शी इज इन अ कंपनी दैट मेक्स लोकोमोटिव्स। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कोई ट्रेवल करे उसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन का भी अपना अलग मजा होता है। सो विल कीप यू पोस्टेड, बहुत अच्छा सफर होने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नहीं गर्मी में ठंड के एहसास के लिए वो स्वेटर आप ले सकते हो बट नहीं। ओके सी यू। हाय हाय हाय, ये है हम लोगों का नेक्स्ट हॉल्टिंग स्टेशन मथुरा जंक्शन। ये मेरी सीट। और जनाब क्या सब ठीक? आई लाइक द ट्रेवल इंस्पेक्टर। It's okay. चलिए हम मिलते रहेंगे आपसे। See ya. Where are you going? नहीं बताऊंगी अभी। So our journey has started. धीरे धीरे 5:15 बजे एग्जैक्ट जल्दी ना? Yes. And इस कूप में हम दोनों ही हैं। So ये कूप नहीं है। क्या? केबिन, sorry. केबिन. इस केबिन में हम दोनों ही हैं। सो ही इज सिटिंग वहां पे, मैं यहां पे। नॉट सिटिंग वहां पे, भगाया गया हूं वहां। अब मुझे ऐसा लग रहा है टाइम में पीछे चल रहा हूं, वो टाइम में आगे चल ले। क्योंकि मुझे यहां से अच्छा लगता है सामने की तरफ। और मुझे क्या बेकार लगता है? अब आप देखो, आपसे पहले चीजें मैं देख लूंगी ऑब्वियसली, पर तुम्हारे से बात तक मैं देखूंगा। यही छोटी छोटी मस्ती फन चलती रहेगी हम लोगों की नोकझोंक। अरे लड़ाई चल रही है। कौन सा व्हाट डू यू थिंक कि इसमें जोक चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, अब बस चल चुकी है हम लोग की शुरुआत हो बस चुकी नहीं है। चल चुकी है ट्रेन, चल चुकी है। डू नॉट इंटरप्ट, शुरुआत शुरुआत हो चुकी है। ये पे छोटे छोटे से क्लिप्स दिखते रहेंगे आपको। क्यों दिखाओगी? यहाँ रुकती है जो बीच में स्टेशन दिखा रही हो तुम? नहीं मैंने कहा क्लिप्स दिखाऊंगी बीच बीच में छोटे छोटे से। किस चीज की? किस चीज? वो जब दिखाऊंगी तब पटरियोगे पटरियों बदलती दिखाऊंगी। मैंने बंद ही कर दी थी, ठीक है। इनके कमेंट्स में बाद में देख लूंगी, ऑडियो में डाल देंगे। नहीं लोग और भी कमेंट करें क्या मैं सही था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी कमेंट मत करना प्लीज। बिल्कुल करना, विल सी यू। बताना कि ये कितनी गलत है। विल सी यू। मथुरा हम पहुंचने वाले हैं, चलिए आपको इसकी
स्टेशन की एंट्रेंस का लुक देते हैं कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन दिखता कैसे ट्रेन से. चलिए देखते हैं. मथुरा के पेड़े और मथुरा के पेठा पेठे बहुत नहीं पेठे तो आगरा के पेठे हैं. मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है. चीनी लगे हुए मथुरा जंक्शन दूर दूर तक बहुत कम लोग हैं. नहीं ज़्यादा खबर हमें लगी कि वहाँ पे है टाइगर और उसकी फैमिली, जबकि कहा जाए एक टिग्रेस थी वहाँ जिसका नाम था शक्ति और थे उसके चार छोटे छोटे कब्स. अब रेस है जारी उस तक पहुँचने की. देखते देखते एक एक करके ये कब्ज और शक्ति उठे
और हो गए हमारी आंखों से दूर। अब हमने सोचा कि कोई एक ऐसे एंगल ढूंढा जाए जहाँ ये पूरी फैमिली और शायद यहाँ पे एक मेल टाइगर भी हो। इसलिए हम गए पहाड़ी की तरफ और वहाँ से जो हमें देखने को मिला वो कतई चौंकाने वाला था, क्योंकि वहाँ था मेल टाइगर और जिसे हम ढूंढने की कोशिश सुबह से ही शुरू कर चुके थे। अब यहाँ से शुरू होता है उसकी चेस की कहानी। बिंगो, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला और हमें पूरी की पूरी फैमिली और मेल टाइगर भी दिखा। मेल टाइगर जो बहुत ही बड़ा था और इतनी ऊंचाई से भी बड़ा नज़र आ रहा था, पर वो अचानक उठकर एक सूखे नाले की तरफ आगे ही आगे बढ़ता नज़र आया। हमने सोचा कि आगे किस तरफ निकल सकता है, अगर ये जोन 5 में चला गया तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होगा। पर हमने सोचा एक रास्ता है जहाँ हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो हमने तुरंत टाइम ना वेस्ट करते हुए उस इलाके की तरफ जाकर वेट करने की सोची ताकि हमें मेल टाइगर खुद सामने से आता हुआ दिखे। और क्योंकि ये सोचने वाले हम ही थे तो प्रोबेबली चांसेस ये थे कि हमारी जिप्सी अकेली होगी वहाँ पे, और हमने ऐसा ही किया। हम लोगों ने उसका ऊपर मूवमेंट देखा है, द होल फैमिली वाज देयर। कुछ शॉट्स लिए भी तो थे, हाँ वो आपको दिख जाएगा। एंड जस्ट दो बार सांबर डियर की कॉल आ चुकी है, तीन बार तो हम लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं। आखिरकार हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला और वो टाइगर उसी रास्ते वहीं आया जहां हम बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। पर तभी दो जिप्सियां और एक कैंटर आने के कारण वो टाइगर झाड़ियों में जाके बैठ गया और हम उसका इंतज़ार फिर से करने लगे। आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे वो टाइगर फिर से निकला और हमारे कितने करीब से होके गुज़रा और हमने उसे काफ़ी देर तक ट्रेस किया। और उसके बाद हम मिले एक और फैमिली से जिसका नाम था ऐश्वर्या और उसके भी थे चार कब्स जो खेलते दिखे अपनी माँ के संग। ये देखिए अनोखी कहानी नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ हमने देखे 20 टाइगर सिर्फ 2 दिनों में। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 टाइगर्स सिर्फ 2 दिनों में। I will get there.